हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को विश करना चाहता हूँ अ हैप्पी न्यू ईयर। मैं बस यही दुआ करूँगा कि 2021 में जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर लें, और 2020 में आपने मुझे जिस तरह से सपोर्ट किया था उसी तरह से सपोर्ट करें 2021 में भी। मैंने अपने इस वीडियो में फ्री फायर कॉन्ट्रोवर्सीज के रिलेटेड कुछ बात किया था, तो आज के वीडियो में भी मैं फ्री फायर कॉन्ट्रोवर्सीज के रिलेटेड ही कुछ बात करने वाला हूँ। तो जैसा कि नया साल आ चुका है, 2021 आ चुका है, तो क्या हमको इस ईयर कुछ फ्री फायर कम्युनिटी में हमको चेंज देखने को मिलेगा? इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में फ्री फायर में जो कंट्रोवर्सीज होती हैं वो तो हर दो हफ्ते एक हफ्ते में हमको नया कुछ मसालेदार कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिलता है फ्री फायर कम्युनिटी। तो ये फ्री फायर में कंट्रोवर्सीज होती क्यों हैं? तो मैक्सिमम रीजंस तो होते हैं 9 साल की ऑडियंस जो दो क्रिएटर्स के बीच में लड़ाई करवा देते हैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। लेकिन हाँ, क्या हमारे फ्री फायर के जो यूट्यूबर्स हैं, फ्री फायर के गेमिंग क्रिएटर्स हैं, क्या वो मैच्योर नहीं है क्या? ठीक है, क्या वो मैच्योर नहीं है? क्योंकि वो किसी के बात पे बिना देखे बिना कुछ सोचे समझे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं और कंट्रोवर्सी में आगे बढ़ सकते हैं। मैक्सिमम जो कंट्रोवर्सीज होती हैं हमारे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में वो दो ऐसे क्रिएटर्स के बीच में होती है जो एक दूसरे से अच्छी तरह से मतलब मिले नहीं होते। मेरा एक छोटा सा सजेशन है हर एक इंडियन फ्री फायर गेमिंग यूट्यूबर के लिए कि वो जितना हो सके सभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स सभी अपने यूट्यूबर्स भाई लोग के साथ गेम प्ले ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, क्योंकि हमको ये देखने के लिए मिलता है हर एक यूट्यूबर के लाइव स्ट्रीम में कि उनका जो प्रॉपर स्क्वाड होता है, उनका परमानेंट स्क्वाड होता है, वो सिर्फ उन्हीं के साथ खेलते हैं और किसी के साथ खेलते तक नहीं है। एग्जांपल के लिए आप किसी भी यूट्यूबर को ले लो, आप ये नोटिस जरूर करना कि उनका जो परमानेंट स्क्वाड होता है सिर्फ उन्हीं के साथ वो गेम प्ले करते हैं। जब तक आप एक दूसरे क्रिएटर के साथ खेलेंगे नहीं, उसको अच्छे से जानेंगे नहीं, तो उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा? इसको चलो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। चलो मान लीजिए कि अभी टोटल गेमिंग अज्जू भाई लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और उनके लाइव स्ट्रीम में बंदे कंटिन्यूसली स्पैम कर रहे हैं कि देसी गेमर समित भाई ने तेरे को नूबड़ा बोला, तेरे को बॉड बोला, तेरे को वो नसेसवन चैलेंज करा है, अमित भाई देसी गेमर तेरे को चैलेंज करा। ऐसा कंटिन्यूसली अगर कोई स्पैम करता है टोटल गेमिंग के लाइव स्ट्रीम में, तो टोटल गेमिंग को ये बात अच्छे से पता है कि अमित भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देसी गेमर्स अमित भाई उनके साथ कंटिन्यूसली खेलते हैं, रेगुलर खेलते हैं, तो टोटल गेमिंग को ये बात अच्छे से पता है कि अमित भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर ऐसा स्पैम होगा कि ज्ञान ने तेरे को नुबड़ा बोला, ज्ञान भाई ने तेरे को वन वर्सेस वन चैलेंज दिया, तो टोटल गेमिंग भाई ये विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, ज्ञान भाई ने ऐसा बोला होगा शायद, वो ये विश्वास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान भाई के साथ उनका उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है, इंट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा गेम प्ले किए नहीं हैं, इस वजह से वो एक दूसरे से इंट्रैक्ट नहीं हो पाए, एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं रहे हैं। और अगर ज्ञान भाई भी अगर टोटल गेमिंग के साथ कंटिन्यूसली मैच खेले होते और दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा मैक्सिमम गेम प्ले किए होते, तो जो एक विश्वास नाम की चीज़ होती है वो दोनों यूट्यूबर्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा हमको देखने के लिए मिलती, जो कि हमको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलती। मैं किसी एक पार्टिकुलर क्रिएटर को नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर एक इंडियन फ्री फायर गेमिंग यूट्यूबर को बोल रहा हूँ, फ्री फायर कम्युनिटी के, कि भाई आप एक दूसरे के साथ खेलिए तो एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी। अगर आप अपने स्क्वाड में ही अटके रहेंगे तो आप बाकी यूट्यूबर्स को कैसे जान पाएंगे, बाकी यूट्यूबर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट हो पाएंगे? ऐसे में कंट्रोवर्सीज हमको देखने के लिए मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगी अगर आप ये फॉलो करते हैं कि आप सभी फ्री फायर यूट्यूबर्स के साथ खेलें, उनको जानने की कोशिश करें, उनके साथ इंटरेक्ट करें। आज 1 जनवरी है, तो आज साल के पहले दिन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि फ्री फायर कम्युनिटी में अगर ये स्टेप फॉलो करते हैं हर एक इंडियन फ्री फायर गेमिंग यूट्यूबर, तो मैं 90% श्योर हूँ, 99% में श्योर हूँ कि हमारे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में कंट्रोवर्सी नाक के बराबर रह जाएगी। एज अ प्लेयर एंड एज अ व्यूअर हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में आगे और कोई भी कंट्रोवर्सीज हों। तो 2021 स्टार्ट हो चुका है, तो सभी अपना माइंडसेट चेंज कर लें, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ गेम प्ले करें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हों और एक अच्छा इंडियन गेमिंग फ्री फायर कम्युनिटी हम क्रिएट कर सकें। ये मेरे तरफ से एक छोटा सा सजेशन है, आप अपना सजेशन मुझे कमेंट करके बताएं कि हम क्या कर सकते हैं इंडियन गेमिंग फ्री फायर कम्युनिटी में, ताकि
कॉन्ट्रोवर्सीज ना के बराबर रह जाए हमारे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में। नए साल में तो हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमको इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में और कोई भी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी देखने के लिए ना मिले, सभी भाईचारे के साथ रहें हर एक गेमिंग फ्री फायर यूट्यूबर। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई तुम्हारा थंबनेल कौन बनाता है, तो मेरा थंबनेल बनाते हैं गैंगस्टर गेमिंग जीजी भाई, हमारे रूपल भाई। तो उनके इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें इंस्टाग्राम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको भी मेरी तरह थंबनेल्स उनसे बनवाने हो तो। और नए साल का क्या क्या प्लान है तुम्हारा कमेंट करके जरूर बताओ भाई, मैं तुम्हारा कमेंट्स पढ़ता हूँ, देखता हूँ, अच्छा लगता है। अपने प्लान्स बताओ 2020 में, सॉरी 2021 में क्या करने वाले हो बताओ मुझे कमेंट करके।